नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित द्वारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो क्लिनिकल हॉस्पिटल कलकत्ता से। आज हम लोग लंग कैंसर के बारे में संक्षिप्त वार्तालाप करेंगे। यहाँ मैं तीन मिथ को बस्ट करने की कोशिश करूंगा लंग कैंसर के बारे में। पहला कि लंग कैंसर उनको ही होता है जो स्मोक करते हैं। ये सत्य है क्योंकि 80% जो लंग कैंसर होता है वो स्मोकर को ही होता है, पर 20% केस में दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे सेकेंड हैंड स्मोक। आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं पर आप स्मोकर के पास हैं, या आप किसी फैक्ट्री के पास रहते हैं जो बहुत धुआं छोड़ता है, या तीसरा हो सकता है आप सड़क में आप चलते हैं और उसके कारण प्रदूषण से आप ग्रसित हो जाते हैं। तो कुछ परसेंटेज में, 1/5 हिस्से में उनको लंग कैंसर हो सकता है जो स्मोकिंग नहीं करते हैं। दूसरा मिथ होता है लंग कैंसर के बारे में कि अगर छोड़ भी दिया तो क्या फायदा एक बार लंग कैंसर हो गया, पर यह भी एक्चुअली एक मिथ है क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करते रहते हैं तो साइंस बोलता है उनका आउटकम खराब होता है कंपेयर टू वो लोग जो स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं, उनका आउटकम बेटर होता है या अच्छा होता है। तीसरा मिथ ये है कि लंग कैंसर को आप ट्रीट नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल मिथ है क्योंकि फैक्ट है आज मॉडर्न चिकित्सा के हेल्प की मदद से अगर आपको स्टेज 1 लंग कैंसर हुआ तो 70% चांस है कि आपका डिजीज क्योर हो जाएगा। अगर आपको स्टेज 2 है तो अप्रोक्सीमेटली आधे लोगों का, 50% लोगों का डिजीज क्योर हो जाएगा, और अगर ये स्टेज 3 है जिसमें आपको मल्टी मोडालिटी चिकित्सा लगती है 100 में से लगभग 30 लोगों का डिजीज क्योर हो जाएगा। अगर ये स्टेज 4 भी है तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि आप मॉडर्न चिकित्सा के हेल्प से एटलीस्ट आप 2 गोल अचीव कर सकते हैं कि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहेगा, यानी उनको तकलीफ कम होगी, और दूसरा उनका लाइफ स्पैन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। रिसेंटली बहुत सारी नूतन चिकित्साएं भी लंग कैंसर के क्षेत्र में आई हैं, जैसे टारगेटेड थेरेपी। तो उनमें से दो टारगेट प्रमुख है एक्चुअली, EGFR और ALK। अगर वो है तो एक्चुअली स्टेज 4 होने के बावजूद भी उनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। EGFR म्यूटेटेड केस में एवरेज लाइफ स्पैन 2 साल का होता है और उसका चिकित्सा भी सरल है, आपको ओरल टैबलेट खाना है जिसका साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी से बहुत कम होता है और उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है, 2 ईयर मीडियन होता है कम्पेयर टू 1 ईयर अगर आपको ये टारगेट नहीं मिलता आपके केस में। अगर ALK पॉजिटिव है तो ये मीडियन सर्वाइवल 3 साल का हो जाता है, जो कि एक्चुअली ट्रिपल है कम्पेयर टू कीमोथेरेपी। सो धन्यवाद।